जीवन में सफल होने का सबसे यूनिक तरीका है किताबें। किताबें न सिर्फ हमें सफल इंसान बनने में हेल्प करती हैं, बल्कि किताबें हमें बेहतर इंसान भी बनाती हैं। किताबों से ज्ञान लेने के दो तरीके हैं, या तो उन्हें पढ़ना या फिर उन्हें सुनना ऑडियो बुक के माध्यम से। तो क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कौन सा तरीका है सबसे सही? तो चलिए पता लगाते हैं। ऑडियो बुक या बुक रीडिंग में से कौन है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव, ये जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हम लोग आखिर बुक्स पढ़ते क्यों हैं। बुक से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग द टॉपिक, जिसे हम अपने ब्रेन में स्टोर करते हैं और समय आने पर उन इन्फॉर्मेशंस का यूज़ अपने काम या फिर लाइफ में बेहतर बनने के लिए करते हैं। तो इन्फॉर्मेशंस को याद रखने का सबसे सही तरीका क्या है, पढ़ना या फिर सुनना? बच्चों के लिए सबसे सही होता है सुनना। जैसा कि हमें आज भी दादी नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ बखूबी याद हैं, लेकिन बचपन में पढ़ी हुई कहानियाँ शायद नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर लोग बचपन में कहानियों को बड़े चाव से सुनते हैं, लेकिन पढ़ते वक्त बोर हो जाते हैं। एक स्टडी में कुछ स्टूडेंट्स को दो टीम में डिवाइड कर दिया गया। एक टीम को 22 मिनट का पॉडकास्ट यानी ऑडियो सुनने के लिए दिया गया और दूसरी टीम को वही पॉडकास्ट यानी ऑडियो लिखित में दिया गया पढ़ने के लिए। दो दिन के बाद जब उनका टेस्ट लिया गया तो जिस ग्रुप ने मटेरियल पढ़ा था उनके ऑन एन एवरेज 81% मार्क्स आए, जबकि जिन्होंने सुना था उनके ऑन एन एवरेज 59% मार्क्स आए। 2010 के एक और स्टडी से ये पता चलता है कि जब दो ग्रुप्स को ऑडियोज और लिखित कंटेंट्स दिया गया तो आफ्टर द क्विज सुनने वालों ने पढ़ने वालों के मुकाबले 28% ज़्यादा बुरा परफॉर्म किया, जो कि फर्स्ट डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न के बीच का डिफरेंस है। स्टडी से पहले जब विद्यार्थियों से पूछा गया था तो ज़्यादातर बच्चों ने सुनने को फेवर किया था, लेकिन जब दोबारा टेस्ट लेने से पहले उनसे पूछा गया तो ज़्यादातर बच्चों ने पढ़ने की ओर रुख किया और उनसे पूछने पर उन्होंने कहा कि वो जानकारियों को सही से याद नहीं रख पाए जब वे सुन रहे थे। अगर आप पढ़ रहे होते हैं और कुछ समझ नहीं आता तो आप उसे बुकमार्क कर सकते हैं, दोबारा तिबारा पढ़ सकते हैं जब तक कि आप समझ ना जाएं। जबकि ऑडियो बुक में ये सब कर पाना आसान नहीं होता क्योंकि आवाज़ें दिखाई नहीं देती। किताबों के पन्नों को पलटते हुए हमारे ब्रेन्स को थोड़ा समय मिल जाता है स्पेस क्रिएट करने के लिए। जो मेन डिफरेंस है पढ़ने और सुनने में वो ये है कि पढ़ना एक एक्टिविटी है जो हम करते हैं। अगर हम कुछ पढ़ रहे हो तो उस समय हमारा पूरा ध्यान पढ़ने में होता है, जबकि सुनना एक ऐसी एक्टिविटी है जो खुद ब खुद हो रहा है। अगर आपका ध्यान कहीं और हो तो भी ऑडियो बुक तो प्ले होता ही रहेगा, लेकिन पढ़ते वक्त शब्दों को पढ़ने के लिए ध्यान वहीं रखना पड़ता है, नहीं तो हम एक शब्द भी नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन ऑडियो बुक्स में हमारी पार्टिसिपेशंस की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सुनते सुनते हमारा ध्यान कहीं और चला गया तो भी ऑडियो बुक्स खुद ब खुद रुक नहीं जाएंगी। एक रिसर्च से यह पता चलता है कि 81% ऑडियो बुक सुनने वाले सुनते वक्त कोई दूसरा काम कर रहे होते हैं और हमारा दिमाग एक साथ दो काम इफेक्टिवली नहीं कर सकता। पढ़ते वक्त हम अपने स्पीड अनुसार पढ़ते हैं, कभी इमेजिन करते हैं तो रुक जाते हैं, कभी कुछ अनइम्पॉर्टेंट जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं तो कभी इम्पॉर्टेंट बातों को स्लोली स्लोली पढ़ते हैं, जो कि ऑडियो बुक के केस में मुश्किल है। इन सब के बावजूद ऑडियो बुक्स की इंडस्ट्रीज पिछले 5 सालों में डबल से भी ज़्यादा हो गई है। हालांकि अभी भी ये बुक प्रिंटिंग के मुकाबले महज 2 या 3% है, लेकिन जहां प्रिंटिंग इंडस्ट्री सालाना 4 या 5% से ग्रो हो रही है, वहीं ऑडियो बुक इंडस्ट्री सालाना 20 से 25% से ग्रो हो रही है। तो ऐसा क्यों है कि ऑडियो बुक्स के इतने डिसएडवांटेज के बावजूद इसकी मार्केट बढ़ रही है? तो जवाब है, आजकल ज़्यादातर लोगों के पास किताबों के लिए समय ही नहीं है, तो वे अपना कोई दूसरा काम करते हुए ऑडियो बुक सुनना भी पसंद करते हैं, जैसे ऑफिस जाते वक्त, नहाते समय, जिम या फिर साइकिलिंग करते वक्त। और मेरे हिसाब से भी समय का यूटिलाइजेशन करना ही चाहिए। तो कंक्लूजन में मैं यह कहना चाहूँगा कि ऐसे बुक्स जो आपके काम से रिलेटेड हैं उन्हें आप पढ़ लिया कीजिए, और बाकी अदर बुक्स अगर समय हो तो पढ़ ले, अन्यथा ऑडियो बुक्स तो है ही। बस याद रखें, कंसंट्रेशन सबसे ज़रूरी एलिमेंट है। तो पढ़ें या सुने, ध्यान हमारा एक जगह होना चाहिए, तभी हम उस किताब से ज़्यादा ज्ञान संग्रह कर पाएंगे और सफल भी हो पाएंगे। और एक स्पेशल नोट, जिन्हें पढ़ना अच्छा लगता है उन्हें ऑडियो बुक्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वे पढ़ते ही रहें, क्योंकि पढ़ने से हमारा ब्रेन उन चीज़ों को ज़्यादा याद रख सकता है। सुनने से हम शॉर्ट पीरियड के लिए उन चीज़ों को याद रख सकते हैं, लेकिन पढ़ने से हम उन बातों को लंबे समय के लिए भी याद रख सकते हैं।
और जिनको बुक्स पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है उनके लिए ऑडियो बुक्स बेस्ट ऑप्शन है। आशा करता हूँ कि हमारी ये नई पेशकश आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आया तो आप जानते हैं ज्ञान फैलाने से बढ़ता है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।